ओके एवरीवन, आज हम जिस ट्यूटोरियल पे काम करने जा रहे हैं वो बहुत ही फेमस पार्ट ऑफ म्यूज़िक है, पाकिस्तान म्यूज़िक हिस्ट्री का, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री का, और दैट इज़ आमिर ज़कीस फेमस इंस्ट्रूमेंटल यू नीड दैट फायर। तो लाइन बाय लाइन हम चलेंगे और आप लोग नोटिस कीजिएगा, आपके सामने नोट्स लिखे हुए आ रहे होंगे। अच्छा, नोट्स की जो किस तरीके से उसको पढ़ना है वो आप देख लीजिए। अगर आपके पास लिखा हुआ है ऐसे, अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका मतलब है स्लाइड, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा B7/8। B7 का मतलब क्या है कि सेवन्थ फ्रेट या सेवन्थ बॉक्स। जैसे ये फर्स्ट बॉक्स है हमारा, ये सेकंड बॉक्स, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो B7 का मतलब बी स्ट्रिंग का सेवन्थ बॉक्स या सेवन्थ फ्रेट। इसको आपने स्लाइड करना है, कहीं ऐसे लिखा हुआ अगर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और हाँ, अगर कहीं ये लिखा हुआ है, अगर मैं कहीं ऐसे कर रहा हूँ तो आपके पास लिखा हुआ आएगा D7H9P7। मतलब क्या हुआ कि D7 से, यानी कि डी स्ट्रिंग का जो सेवन्थ फ्रेट है हमारा ये वाला, यहाँ से हमें हैमर ऑन करना है। पहले हैमर ऑन कैसे होता है, ठीक है, हैमर ऑन एक टेक्निक होती है जो मैं पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने एक स्ट्रोक हिट करना होता है और उसका जो सस्टेन होता है, नोट का सस्टेन जो होता है, उससे हम दूसरे स्ट्रिंग का साउंड निकालते हैं, दूसरे फ्रेट का। ये हैमर ऑन हो गया ऐसे, यानी एक हिट हो रही है लेकिन यहाँ से दो चीजें चल रही है। और हैमर ऑन पुल ऑफ एक साथ कैसे, उसको वापस आपने धक्का देके पीछे जाना है तो वो D7 का साउंड दोबारा निकालेगा। तो अगर ऐसी चीज लिखी हो D7H9P7, उसका मतलब हैमर ऑन एंड पुल ऑफ एक साथ हो रहा है, ठीक हो गया। और अच्छा, आपको कहीं नजर आएगा ब्रैकेट, अगर आपको कहीं ब्रैकेट नजर आए तो मैं ये अपने स्टूडेंट्स को, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज चीज नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ब्रैकेट लगा देता हूँ कि इसको आपने, इन नोट्स को आपने फास्ट बजाना है। मिसाल के तौर पर एक पार्ट आपको नजर आएगा इस तरह का, तो उसमें आप नोटिस करें इसमें दो नोट्स फास्ट हैं। कौन कौन से, ये दो नोट्स फास्ट हैं, कौन कौन से, G8 और B7। तो ये दोनों ब्रैकेट में डालते टम 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 टम, यानी कि वो फास्ट है। तो कहीं आपको ब्रैकेट नजर आए तो आपने उसको फास्ट बजाना। कहीं कहीं अगर डबल ब्रैकेट नजर आए तो फिर वो इस तरह की चीज होगी, ये इस तरह की चीज होगी। इसको मैं जब ये आएगा तो मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से बजाना है। तो डबल ब्रैकेट का मतलब बहुत ही फास्ट, और सिंगल ब्रैकेट मतलब आम नोट से ज्यादा तेज, ठीक हो गया। तो इस तरह की चीजें लिखी हुई आएंगी, मैं टाइम टू टाइम आपको समझाता करूंगा। फर्स्ट लाइन देखते हैं, ये फर्स्ट लाइन देखें आप, पहला तो मैंने स्लाइड किया है B7 से, मिडिल फिंगर से कर रहा हूं, B7 से 8 मैंने स्लाइड किया है, और फौरन ही मैंने म्यूट भी किया है। मेरे राइट हैंड को देखें, फौरन ही मैंने म्यूट भी किया है, मैंने इसको ऐसे छोड़ा नहीं है, सस्टेन नहीं जा रहा। ये आमिर जकी भाई की ये एक समझे सिग्नेचर उनकी प्लेइंग का एक पार्ट होता था कि वो बजाने के बाद म्यूटिंग बहुत करते थे और हैमर ऑन बहुत चीजें करते थे, पुल ऑफ बहुत अच्छे बजाते थे। देखो ये किया, अब म्यूट मैंने कहाँ से किया, राइट हैंड से बजाया ऐसे, तो आपने भी ऐसे करना है। देन B7 पे थोड़ा सा वाइब्रेटो, ये वाइब्रेटो कैसे देते हैं कि आप इंडेक्स फिंगर से उसको हिट करके रखें और स्ट्रिंग को वाइब्रेट करें। ये थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिस से ये चीजें इंप्रूव होती। तो पहला पार्ट क्या हुआ और आखिर में कहाँ आना है आपके, G9 पे रिंग फिंगर लेकर आ, और G9 का भी सस्टेन नहीं देना है, बिल्कुल म्यूट कर देना है, बजाते ही म्यूट। तो फर्स्ट लाइन देखें, ठीक है, सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में क्या हुआ, G9
और बी सेवन बजाया, उसको भी म्यूट करना है बी सेवन को फौरन, ऐसे म्यूट करना है, म्यूटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी आपको, बजाते ही म्यूट, ये बजाया और राइट हैंड हिट कर दिया स्ट्रिंग पे ऐसा, ठीक है। उसके बाद चार नोट्स हैं, बी एट, फिर बी सेवन, फिर जी नाइन और डी नाइन, ये एंड देन। अब इसमें क्या किया मैंने, एक स्ट्रोक बजाया और बाकी नोट्स उसके सस्टेन से बज रहे हैं, तो मैंने क्या किया, D7 बजाया, फिर पुल ऑफ, हैमर ऑन पुल ऑफ कर दिया, कहां पे, D9 पे हैमर ऑन करके फौरन पुल ऑफ कर दिया और साथ ही स्लाइड भी कर दिया, कहां पे, D5 पे। ये आपका सेकंड लाइन हो गया। अब दोनों लाइंस को देखें, इसी लाइन को रिपीट करते हैं, अब यहां से एक और पार्ट इसका ऐड हो जाएगा, ये पार्ट। इसमें क्या नोट्स बजे, D5 इंडेक्स फिंगर से, और ये फौरन दोनों नोट्स जल्दी बजाने, कौन से, D9 और G9 ऐसे, और फिर कहा गया मैं G8 पे, 8 पे थोड़ा सा वाइब्रेट हो गया, और फिर ये दो नोट्स कौन से, पिंकी और रिंग से बजा रहा हूं मैं, आप रिंग और मिडिल से भी बजा सकते हो, कौन से दो नोट्स, D10 और D9 कैसे। अब पूरा पार्ट क्या होगा, ठीक हो गया, नोट्स लिखे हुए आ रहे हैं, आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, सिर्फ चार नोट्स, कौन कौन से, D9 रिंग फिंगर से, मिडिल फिंगर से G8, और फिर B7 पे इंडेक्स फिंगर, और फिर हम कहां गए, B8 पे, चार नोट्स। यहां हमारा एक फेज कंप्लीट हो जाता है। अब इसी फेज को रिपीट करना है, इस तरह दो फेज कंप्लीट हो गए। अब इसकी एंडिंग क्या होगी, इन दो फेज की एंडिंग स्लाइड होगा, दो चीजें बज रही, स्लाइड किया हमने, म्यूट किया, स्लाइड क्या किया हमने, B7 से B8, और फिर G9 पे ट्रेमोलो देके उसको सस्टेन देके थोड़ा सा ये खत्म कर दिया G9 पे। अब चला जाएगा ये सॉन्ग थोड़ा सा मेजर कॉर्ड लगता हुआ, एक फ्लेवर आएगा इसमें, वो क्या नोट्स में, ये पार्ट है, कितने नोट्स हैं, 8 नोट्स हैं। अब इसमें ब्रैकेट्स भी हैं, वो देखिएगा कैसे आएंगे। तो हम क्या बजा रहे हैं, हम बजा रहे हैं G9 रिंग फिंगर से, और फिर B9 भी रिंग फिंगर से, और फिर इंडेक्स फिंगर लेके हम कहाँ गए, E7 पे। अब इसमें ब्रैकेट क्या बन रहा है, B9 और E7 ऐसे, ये तीन नोट्स, ये क्या है, E10 पिंकी, E8 मिडिल और E7 इंडेक्स। अब आखिर के दो नोट्स ब्रैकेट है, वो क्या है, B10 पिंकी और मिडिल फिंगर से E8, ये पूरा पार्ट कैसे, फिर ये करना है, ये बड़ा आसान पार्ट है। स्लाइड किया आपने E10 से 12, पिंकी से कर रहा हूं मैं, और इंडेक्स फिंगर से वही ट्रेमोलो दे दिया हल्का सा, कहां पे, E10 पे। फिर नेक्स्ट पार्ट, ये क्या बजाया मैंने, E12 से स्लाइड किया है E14, और एक और 14 हिट किया है, म्यूटिंग हर जगह चल रही है,
ये दो नोट्स कौन से? E11 और E12, इंडेक्स और मिडिल। नेक्स्ट क्या आएगा? वो जो डबल फास्ट मैंने बताया था, कैसे ये बेसिकली क्या है, मैं हाइब्रिड पिकिंग कर रहा हूँ। यानी अगर आप पिक से बजा रहे हैं तो आपने पिक से इस तरीके से तीन नोट, जैसे हम कॉर्ड बजाते हैं ना, ऐसे आपने बजाने, और बहुत क्विकली मिडिल फिंगर से, मैं तो मिडिल फिंगर से कर रहा हूँ E12। अब ये हो क्या रहा है, मैंने बार लगाई हुई है 12th बॉक्स पे या 12th फ्रेट पे, मैंने बार लगाई हुई है, ठीक है, और रिंग फिंगर मैंने रखी हुई है D14 पे। डी जी और बी स्ट्रिंग मैंने रन ऐसे, ये बजाना ऐसे, और इसके बाद E12 जो कि बार में हमने पकड़ा हुआ है, उसको मिडिल फिंगर से मैं हाइब्रिड पिकिंग में अप कर रहा हूँ। अगर ये ना हो आपसे तो आप हाइब्रिड पिकिंग ना करें, आप सिंपल प्लेक्ट्रम से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो अप स्ट्रोक बजाना पड़ेगा लास्ट नोट। तीन स्ट्रिंग्स हमने डाउन स्ट्रोक बजानी है और चौथी अप स्ट्रोक, ताकि एक फ्लेवर आए, ये ऐसे डाटा है आपने। और ये करते ही आपने कहाँ चले जाना है, E15 पे पिंकी लेके, ये देखें E15 पे पिंकी है मेरी, ठीक है। तो D14 रिंग, 12 बॉक्स पे बार, ये कर दिया हमने पूरा हुआ। अब हम चले गए E15 पे, यहां से नोट स्टार्ट हो गए, एक मेलेडी स्टार्ट होगी, ये पार्ट है, ये पार्ट क्या है, E15 बजाया हमने, फिर E14 बजाया, फिर E12 बजाया, फिर B15 बजाया और B13, 1 2 3 4 5, ये टाइम है, सिंपल टाइम है। तो क्या किया इसके बाद, स्लाइड कर दिया, कहां से, E15 से E17, ऐसे दो नोट्स ऐसे नहीं बजा रहे, ये नहीं म्यूट किया है, बीच में म्यूट भी है, वही जैसे म्यूट कर रहे हैं। तो ये दो नोट्स कौन से हैं, E15 E14, और ये दो नोट्स कौन से, ये ब्रैकेट में थोड़ा सा तेज, कौन से, B17 और B16, रिंग और मिडिल से बजाया है B17 B16। और फिर क्या करना है, ये चार नोट्स, इसमें दो एक ब्रैकेट आ गया, ये क्या किया मैंने, मिडिल फिंगर B16 पे है, रिंग फिंगर B17 पे है, ब्रैकेट किसका है, 17 और E14 का ब्रैकेट है, और वापस कहाँ आया मैं, B17 पे। अच्छा, तो लास्ट पार्ट जो है वो इसका इस तरीके से है, यानी आपने एक स्लाइड करना है B15 से B17, ये आपने स्लाइड किया, ठीक है, थोड़ा सा इसको सस्टेन देना है, उसके बाद दो स्ट्रोक्स आप दे दें B17 पे इस तरीके से, और फिर वही जो पार्ट हमने बजाया था, अब थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेट्स पे हम बजा रहे हैं, वही पार्ट है, सेम पार्ट, लेकिन इस दफा हमने कौन सी फ्रेट्स बजाई, E15 बजाया, फिर E14 मिडिल इंडेक्स, फिर रिंग पिंकी हम लेकर आ गए B17 पे, फिर B15 और फिर B13, और फिर हमने स्लाइड किया कौन सा, E15 से 17, और एक और स्लाइड करना है, ये क्या किया हमने, E17 से 19, उसके बाद तीन नोट्स ब्रैकेट में आएंगे, ये कौन से नोट्स हैं, E17, E15 और E14, और फिर दो नोट्स कौन से, वही पुराने वाले B17 और B16। अब ये मैंने कौन से फिंगर ऑर्डर किए, जब मैं तीन ये जो नोट्स बजा रहा हूं, जब मैंने E17 से 19 स्लाइड किया तो रिंग फिंगर यूज की, उसके बाद मैंने क्या किया, जब तीन नोट्स मैंने बजाए तो मिडिल फिंगर यूज की है E17 पे, और इंडेक्स फिंगर यूज किए E
15 पे और इंडेक्स ही को मैं E14 पे लाया हूं। ऐसे किया है मैंने, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर मैंने B17 और B16 बजा दिए रिंग और मिडिल से। फिर वही हमने तीन नोट्स बजाने, कौन से? B16, B17 और E14। और फिर एक हमने पुल ऑफ करना है। पुल ऑफ में क्या बजाएंगे हम? E15 और E14 का पुल ऑफ बजेगा। पुल ऑफ कैसे बजता है? धक्का देना पड़ता है पीछे, पीछे वाले नोट के लिए। यानी दोनों फिंगर्स को सेट करके रखेंगे हम, दोनों फ्रेट्स को, दोनों फिंगर्स को सेट करके रखेंगे, हटाएंगे नहीं। मिडिल फिंगर जैसे हम लिखा हुआ है आपके पास E15 P14, P का मतलब क्या है? पुल ऑफ। तो हमने क्या करना है? E15 बजानी है और फिर E15 को नीचे धक्का देना है, धक्का देते हुए छोड़ना है ताकि E14 का साउंड आए। ये इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एंड का होगा रिंग फिंगर आप लाएंगे B17 पे और वाइब्रेट होगा। ये पूरा सिग्नेचर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आगे इसके मजीद पार्ट्स भी हैं जो कि थोड़े से, जो कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं। मैंने कुछ कवर किए हैं लेकिन ज़्यादा मैं पूरा सॉन्ग कवर नहीं कर पाया बिकॉज दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। और जो मैंने आगे पार्ट कवर किए वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो इस तरीके से चाहिए, इसमें थोड़ी सी कर तो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका सिग्नेचर पार्ट ही बजाते हैं। मतलब सिग्नेचर पार्ट से मतलब रिकॉग्नाइजेबल पार्ट है जो कि साउंड चेक में आप बजा सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे आप बजा सकते हैं। अब ये पूरा पार्ट, इसके लिए मैं पूरा एक आपको मैं सुनाऊंगा कॉर्ड्स के साथ। इसके कॉर्ड्स क्या है उसमें भी, उस पार्ट में आपको कॉर्ड्स भी पता चल जाएंगे इसके। तो कॉर्ड्स के साथ मैं इसका एक पूरा बजा के और उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना लिंक मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।